हेलो गाइज, होम मेकर सपना ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और टमाटर का चोखा। फिर चलते हैं। तो हम टमाटर ले लिए हैं, 4 टमाटर है और 5-6 आलू भी है उबला हुआ। हम ये सरसों का तेल लिए हैं, इसको टमाटर के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इसको लगाने से क्या होता है, ये अच्छी तरह से पकता है गैस पे और इसका जब छिलते इसमें इसका छिलका आसानी से उतर जाता, इसलिए तेल लगाते हैं सरसों का तेल। अब हम ये जाली चढ़ाए हैं गैस पे, गैस तेज कर लिए हैं और कोई भी जाली हो, ये जाली मेरा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा से पकता है। इस पे आप कोई सा भी जाली ले सकते हैं। अब इस पे हम इसको पहले पका लेंगे। जब तक हमारा ये देखिए, अब इसको पलट देते हैं। हम इसको पकड़ के कर लेते हैं, गरम है बट आप लोग इससे पकड़िएगा। और जब तक ये हमारा पक रहा है तब तक हम आलू रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा आलू है, इसको उबाल लिए हैं, उबाल के छील लिए। अब हम इसको इसका चोखा बनाएंगे इस तरह से। इससे देखिए मसल देते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है ना ऐसा, तो कोई बात नहीं, ये हमारा ग्लास है ना, इससे आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। देखिए हो जाता है बहुत अच्छा। आज जब तक टमाटर पक रहा है इसको हम कर लिए हैं। अब हम मिर्ची पका लेंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची आप गैस पे अगर उसको पका के इसमें डालिएगा ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, सोना सोना लगता है। तो हम मिर्ची पका के दिखाते हैं आपको। ये देखिए मिर्ची हमारा इस पे पक जाएगा बहुत आसानी से। सबको पका लेते हैं। जब ये मिर्ची पकता है ना तो बहुत खांसी होता है, महकता बहुत है ना। तो ये हमारा हो गया, देखिए ये पक गया है। अब हम इसको, ये हमारा टमाटर हो गया है, ये देखिए। अब हम बंद कर देते हैं गैस को। अब इसको थोड़ी देर ठंडी होने देंगे, फिर हम इसको छीलेंगे। अब देखिए, अब हम इसको छीलेंगे, इसको ऐसे पानी में डालेंगे। पानी में डालने से क्या होता है, इसका स्किन जो है ये जल्दी से निकल जाता है। देखिए कितना इजीली ये छिला रहा है, ये जितना काला काला है ना, इसको हम छील देंगे। देखिए गरम है थोड़ा, जल्दी हमको करना था तो ज़्यादा ठंडा होने का वेट नहीं कर पाए हम। ये देखिए ये हमारा छिल गया है, अब हम यहाँ रख देते हैं। इसी तरह मुझे बारी बारी सबको छिल लेना है। अब ये हमारा छिल गया है तो इसको धीरे धीरे पहले, नहीं तो ये पूरा पानी इसका फेंक देता है चेहरा पे, ये इधर उधर लग जाता है। तो हम पहले धीरे धीरे चाकू से इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं आराम से। देखिए अब हम इससे इसको बढ़िया से धीरे धीरे करके, देखिए
पूरा बारीक कर देना है। इसमें जो है ना पूरा पका हुआ टमाटर रहना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर कच्चा रहता है कड़ा, और जो ताजे ताजे टमाटर होते हैं ना उससे ज्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसको आलू में मिला देंगे, आलू का जो हम बनाए थे ना चोखा उसमें मिला देंगे। तो ये देखिए अब हम इसको इसमें सब मिला देते हैं। उसके बाद ये जो मिर्च पकाए थे ये भी इसमें डाल देंगे। ये बारीक लहसुन है ये भी इसमें डाल देंगे। सब कुछ डाला गया, अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये इसमें नमक एक चम्मच, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये देखिए ये कच्चा पका हुआ तेल नहीं। अब हम ये सबको बढ़िया से मिला के तैयार करके फिर दिखाते हैं। पूरी अच्छी तरह से मिलाना है, अगर इससे ना हो पाता है तो हाथ से भी जैसे चोखा बनाते हैं वैसे इसको बनाइए। अब हम इसे इसको हाथ से मिलाने, बिना हाथ लगाए कोई उपाय नहीं है, चोखा में हाथ डालना ही पड़ता है। आप हाथ को अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ आपको कड़ा कड़ा लग रहा है इसे ऐसे कीजिए। ये देखिए ये हमारा चोखा तैयार है आलू और टमाटर का। इसको चावल दाल के साथ खाइए, बहुत मस्त लगता है खाने में, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए। ये देखिए हो गया, बन गया ये रेडी। अब हम इसको आपको किसी कटोरी में बढ़िया से निकाल के दिखा देते हैं। अगर हरी धनिया की पत्ती है तो आप इसमें डाल दीजिए, मेरे पास फिलहाल नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं। ऊपर से डाल दीजिए और भी टेस्ट बढ़ जाता है इसका। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक